Thank you.
हरे कृष्ण महावन की जय, अनंत कोटि वसुदंत की जय, समाग बकरण की जय, सत्य आदि की जय, सत्य आदि शिकारी बकरण की जय, पितुमेर की जय, जय गौर भवन जय गौर।
जहाँ हाँ बहुत बड़ा लंबा श्लोक याद कर दिया तुमने एक दिन में इसको याद कर दिया बहुत अच्छा और तुम लोग याद किए हो बोलो धन्यवाद और तुम लोगों ने फिर किया हो कभी हाँ धन्यवाद बहुत लंबा श्लोक गया बहुत ही अच्छे अच्छे श्लोक है और तुम क्या किया और पिता न शिशात जनन न शिशात किसी को पहले था ये परसों वाला था नाम बचाई थे जाओ हम इसको रोज रोज रिवाइज करना है रिवाइज करने से ना एकदम मन में बैठ जाता है तुम भी याद किए हो वाह वाह जब कितने उम्र हो याद कर रहे थे तुमको फेल कर देंगे बोलो क्या देखो माता जी इतना लंबी तुमने याद की कि नहीं टीचर क्या क्या तुमने ये एक एक श्लोक याद कर लोगे ना एक महीना में 30 श्लोक हो जाएगी एक महीना में अच्छी बात और बच्चे लोग बोलो हो गया धन्यवाद रखे और लाला याद क्या है श्लोक पहले वाला बोलो पहले जो याद किया होगा पहले जो श्लोक याद किया होगा ना उसको भी बोल दो पहले जो याद किया होगा याद है कोई श्लोक पहले का हाँ बोलो कौन सा श्लोक समित पाणी ये श्लोक का ना रोज रोज रिवाइज करना है रिवाइज करने से ना फिर वो दिल में बैठ जाता है और तुम लोग हाँ तुमने कुछ याद किया अरे तो तुम तो बहुत दिन बाद में आए आ जाना बीच बीच में ठीक है बीच बीच में आ जाना हरे कृष्ण और तुम दोनों पंडित सामने बैठने वाले याद है हाँ तुम बोलो राहुल कौन सा श्लोक याद है कोई श्लोक बोलो जो जो श्लोक दिया हुआ उसको तरफ इधर मेरे तरफ में देखो ना इधर बोलो देखो ये जो श्लोक एक ही याद करे ना हाँ इधर देखो ये श्लोक बड़े महत्वपूर्ण श्लोक है अगर एक एक ज़्यादा तो है नहीं अभी तो तुम बच्चे हो अगर कोशिश करोगे रटते 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 हो जाएगा समझ रहे हो और चिराग तुम भी इस श्लोक याद करना बहुत अच्छा जो श्लोक है तथा में ये बहुत बहुत मदद करता है ये श्लोक बहुत अभी जैसे बच्चा पढ़ाई करता है ना पता नहीं चलता तो नौकरी करता है ना जब पैसा कमाता है फिर पता चलता भैया ये पढ़ाई का कितना कीमत है ठीक है तो तुम दोनों ब्रह्मचारी हो अभी कल उसको क्या दोगे उसको क्या दोगे उसको यहाँ से लिख कर ले जाना ठीक है लिख कर ले जाना और कल बोलना देखो छोटे छोटे बच्चे याद कर रहे हैं हाँ देखो ये जो
गुरु न सस्यात्, बोलो नाम बच्चे तेजा समर्पित। देखो हाँ देखो ध्यान देकर सुनो, ये श्लोक कितने महत्वपूर्ण श्लोक है, हैं? ये श्लोक कौन कह रहे हैं? ए बात मत कर, इसलिए ये श्लोक श्री ऋषभ देव कह रहे हैं। कहते ये ऋषभ देव अपना बच्चों को ये बुला करके, ये ऋषभ देव अपना बच्चों को समझा रहे हैं। बोले देखो बच्चों, मैंने तुम लोगों को जन्म दिया है, लेकिन ये जीवन भगवान हमें क्यों दिया है? ये जीवन ठाकुर जी हमें किस लिए जीवन दिया है? कहते जीवन का एक ही लक्ष्य है, भगवत प्राप्ति। क्योंकि 84 लक्ष्य योनि में ये मानव जन्म के सिवाय कोई भजन प्रभु का कोई कर ही नहीं सकता, केवल कि इंसान ही प्रभु का भजन कर सकता है और कोई प्रभु की भक्ति कर ही नहीं सकते। इसलिए मैं तुम्हारी पिता है, हैं, इसलिए मेरा कुछ कर्तव्य है बच्चों का प्रति। भले साधारण पिता क्या सोचते हैं, दे बच्चों को लिखा पढ़ा सिखा दे, बढ़िया नौकरी चाकरी मिला दे, घर में एक बढ़िया बहू ला दे और उनका नाती पोती हो जाए बस। अगर एक व्यक्ति अगर इतना कर दिया ना, समझता है मेरा ड्यूटी पूरी हो गई, मेरी ड्यूटी पूरी हो गई। लेकिन यहाँ पर देखो ऋषभ देव क्या कहते हैं, ये ऋषभ देव क्या कहते हैं, ये ऋषभ देव बोले देखो मैं पिता होने का नाते ये बच्चों का प्रति मेरी कुछ कर्तव्य है। बोले क्या कर्तव्य है? कहते भगवान ने हमें जो मानव शरीर किस लिए दिया है? कहते विषय भोग करने नहीं दिया है, क्योंकि जो विषय का जो भोग, संसार का भोग, ये तो हर जीवन में करता है जीव। कोई भी पशु पक्षियों को देख लो, वो क्या खाते नहीं, पीते नहीं, बच्चे जन्म नहीं देते हैं? बच्चों को कौन सा ऐसे जानवर जो बच्चों को पाल नहीं देता है? सुअर को देखो, एक एक दर्जन बच्चे तो एक महीना में पाल लेते हैं, हैं? खाने के लिए हम कितना कष्ट करते हैं, स्कूल कॉलेज है, जिसके बाद नौकरी, क्या कष्ट करके अपना पेट भरते हैं। पशुओं को देखो इधर उधर घूमते हैं, खाना अपने आप मिल जाते हैं। सोने के लिए देखो, अभी यहाँ पर अभी कितना गर्मी पड़ा हुआ है, अभी हम लोग कूलर भी लगाया, एसी भी चल रहा है, हैं, एसी भी चल रहा है, कूलर भी, अगर ज़्यादा अगर बिजली अगर चली जाए ना, हमको नींद नहीं आएगी, हमको नींद नहीं आएगी, हैं। एयर कंडीशनर रूम में भी अगर कोई इधर उधर का चिंता हो, ज़्यादा घर गृहस्थी में कोई प्रॉब्लम आ गया, देखना एयर कंडीशनर रूम में गोली खाने पर भी हमें नींद नहीं आएगी। लेकिन ये सुअर कुत्ते और जानवर को देखो, निश्चिंत होकर बढ़ रहे थे, जहाँ तहाँ सो रहे, उनको कोई चिंता नहीं। इसलिए ऋषभ देव कह रहे देखो बच्चों, ये जो मानव शरीर केवल ये विषय संसार भोग करने के लिए नहीं है। कहते ये किस लिए ये मानव शरीर दिया? बोले भगवान की भजन करने के लिए, मैं तुम्हारे पिता हूँ, बच्चों का प्रति मेरी कर्तव्य, इसलिए मैं ये तुमको ये कर्तव्य समझा रहा हूँ। इसलिए कहते पिता न सस्या, कहते वो पिता पिता नहीं। बोले कौन पिता पिता नहीं? बोले ना मोचयत जह समपेत मृत्यु, ना मोचयत जह समपेत मृत्यु, क्योंकि हर जीवन में जन्म लेते हैं फिर मर जाते हैं, जन्म लेते हैं मर जाते हैं, जन्म लेते हैं मर जाते हैं। हर जीवन में देखो जन्म लेते हैं मरते हैं, जीवन कोई भी जीवन में देखो है, जन्म लेकर के मर रहे हैं, जन्म लेकर मर रहे हैं, हर जीवन में जन्म लेते मर जाते हैं, हैं? लेकिन जो मुक्ति है बा जो भगवत जो प्राप्ति है, ये मानव जन्म के सिवाय और कोई भी प्रभु का भजन नहीं करता, भगवान की भक्ति नहीं कर सकता, इसलिए जीव को संसार से मुक्ति मिलती नहीं। इसलिए बच्चों, ये जो मानव शरीर तुमको दिया है भगवान ने, किस लिए ये जीवन दिया? भगवत प्राप्ति के लिए दिया। इसलिए कहते कहते हैं पिता न सस्यात, कहते वो पिता पिता नहीं। अगर बच्चों को भगवान की भजन का रास्ता पर नहीं लगाया, लिखाया पढ़ाया नौकरी चाकरी करा दिया, सब कुछ तुमने करा दिया, बढ़िया से करा दिया, लेकिन अगर बच्चों को प्रभु की भजन में नहीं लगाया, यहाँ पर ऋषभ देव कहते वो पिता पिता नहीं, उसको पिता नहीं कहलवा जाएगा। क्या जन्म देने पर पिता हो जाता है? सब जानवर तो जन्म देते हैं बच्चों, हैं? इसलिए पिता सौ जननी न सस्यात, कहते वो माता माता नहीं है,
अगर बच्चों को प्रभु की भक्ति की मार्ग में नहीं अगर चलाते हैं कि तो माता माता भी नहीं, कहती गुरु गुरु भी नहीं, गुरु गुरु भी नहीं। इसलिए अगर हमने किसको शिष्य बनाया लेकिन केवल अपना फायदा लूटने के लिए हैं, अपना फायदा लूटने के लिए, लेकिन उसको प्रभु की भजन में लगाने के लिए नहीं, ठाकुर जी की भक्ति में लगाने के लिए नहीं किया, केवल अपना अरे एक बार चेला बनाएंगे, गुरु पूर्णिमा में एक बार तो आएगा, कुछ कपड़ा लता पैसा तो दे करके जाएगा। अगर इसी भाव से अगर हम चेला बनाए फिर तो भैया कभी गुरु गुरु है ही नहीं। लेकिन गुरु का काम क्या है, बोले गुकार अंधकारत्वात रुकार तस्य निरोधः। इसलिए शिष्य बनाते हैं जो गुरु जी की शासन को स्वीकार करते हुए, शिष्य कहते हैं किसको, बोले गुरु जी का जो उपदेश जो शासन को स्वीकार करे उसको शिष्य कहते हैं। अगर गुरु जी की शासन को ही नहीं माने, कहते भैया मंत्र लेने से थोड़ी शिष्य बन जाता है, वो मंत्र लेने से शिष्य नहीं बनता है। इसलिए तभी वो शिष्य है, गुरु जी जो बोलते हैं अगर वो मार्ग पर अगर वो शिष्य चलता है तब उसको शिष्य कहलाएगा। गुरु तभी कहलाएगा अगर शिष्य की परमार्थ अगर चिंता करे, इसको हम भगवत भक्ति में कैसे ट्रेंड कर दिए, प्रभु की भजन में कैसे उनको लगाए, कैसे नहीं खाए पिए और सोते रहे, भजन भजन से कोई मतलब ही नहीं है, हैं नहीं। इसलिए कहते हो पिता पिता नहीं हो, गुरु गुरु नहीं, अगर बच्चों को प्रभु की भक्ति मार्ग पर नहीं चला पाए तो। इसलिए जिस समय ध्रुव महाराज वैकुंठ विजय कर रहे हैं उसी समय में विष्णुदूत वैकुंठ से आए रथ लेकर के, बोले रथ में बैठो चलो भगवान के पास में चलो, ठाकुर ने तुम्हारे लिए रथ भेजा। ध्रुव क्या कहते हैं, बोले मेरी माँ कहाँ गई, बोले मैया को क्यों ढूंढ रहे, बोले आज जो मैं भजन कर रहा हूँ ना माँ की आशीर्वाद से, मेरे को किसी ने भक्ति की मार्ग बताया, मैं तो पिताजी की गोद में बैठना चाह रहा था और मैया ने गाली दी इसलिए मैंने क्रोधित होकर के आया, लेकिन मेरी मैया सुनीति ने बताया बेटा ये बाप कब तक रहेगा, ये संसार कब तक रहेगा, ये दोनों ही खत्म होने वाले, ये दोनों ही नष्ट होने वाले, ऐसे एक पिताजी की गोद में बैठ जाओ, जिस गोद में बैठोगे तो कभी उतरने का जरूरत नहीं, ये संसार का पिता तुम्हें जितने प्रेम ममता देगा इससे करोड़ों गुण अगर कोई प्रेम देने वाला तो वो ठाकुर जी है। इसलिए ठाकुर जी गोद में बैठने के लिए कोशिश करो, माँ की आशीर्वाद से आज हमने भगवत प्राप्ति किया, इसलिए माँ को लिए बगैर में नहीं जाऊँगा, मेरी माँ कहाँ है। तब विष्णुदूत क्या कहते हैं, ऐसे जो माँ तुम्हारी यही सचमुच से माँ है जो बच्चे को प्रभु की भक्ति के मार्ग पर चलाए, उसको भजन के मार्ग पर चलाए, बोले ऐसे जो माँ है और तेरे को जो गर्भ में धारण किया है उसकी गर्भ धारण करना सार्थक हो गया, गर्भ धारण करना तुम्हारी उसकी सार्थक हो गया, क्योंकि तेरे जैसे बेटे को उसने जन्म दिया। देखो आगे रथ देखो, जो रथ ऊपर जा रही ना तेरी माँ बैठ करके बैकुंठ जा रही, उसको पीछे पीछे तू जा रही, माँ तुम पहले नहीं जा रहे, कौन जा रहा है, तेरी मैया जा रही है वैकुंठ जा रही है, उसको पीछे पीछे जा रहे। प्रहलाद महाराज का भी कहते पिको पिता पिता नहीं है, पिता पिता नहीं जो भक्ति मार्ग में नहीं चला है। इसलिए प्रहलाद का चरित्र में भी यही हुआ, भगवान बोले वर मांगो, बोले मेरे पिता बड़े दुष्ट थे, मेरे पिताजी को उद्धार कर दो, बोले तेरे जैसे साधु जिस कुल में जन्म ले लिया वो कहते कि आप बोले त्रि सप्तमी पिता पोता भैया उसको तो 21 पीढ़ी उधार हो, कितने पीढ़ी उधार हो, उसको 21 पीढ़ी उधार हो गए। तुम अपना बाप की बात क्यों कर रहे हो, माँ की कुल से बाप की कुल से नाना नानी ये सबके कुल से है वहां पर बताया। और हमारे एक है कहते भक्तमाल ग्रंथ में तो बताया 108 पीढ़ी उसको उधार हो जाता है, 108 पीढ़ी उधार हो जाता है। चैतन्य भागवत में बताए जिस कुल में एक संन्यास जन्म ग्रहण करता है भगवान की भक्ति करने वाले, बोले त्रिकोटि कुलर है श्री वैकुंठ वास, 3 करोड़ कुलों का उद्धार हो जाता है। इतने महिमा एक वंश में एक व्यक्ति प्रभु की भजन में लगने का इतने महिमा। इसलिए कहते वही माँ माँ है जो बच्चों को प्रभु का भक्ति मार्ग पर चलाए, ऐसे नहीं लिखाई पढ़ाई एक ATM कार्ड बनाना है, कोई भजन भजने से कोई
मतलब नहीं, भक्ति भक्ति से कोई मतलब नहीं, केवल पढ़ो 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 पढ़ो, लेकिन उसको साथ में भी कुछ परमार्थ सिखा। घर में ये नियम बनाओ क्या, जब तक बच्चों को नियम बनाओ, जब तक माला नहीं करेंगे खाना नहीं मिलेगा, खाना नहीं मिलेगा। पहले भजन, बाद में भोजन। आप बोलो कि बच्चे बात नहीं सुनते, दुनिया क्या बच्चे बात नहीं सुनते। अब ये बताओ, तुमने ये बच्चों को जोर जबरदस्ती स्कूल भेजते कि नहीं? अगर बच्चे को 6 बजे जाना ना, नहीं 7 बजे जाना, उसको 6 बजे उठाते, उठेगा नहीं तो जोर जबरदस्ती उठाएंगे, और उसको नहा पहा करके और ड्रेस और पैकिंग करके खाने पीने को, और उसको ले करके गाड़ी आ जाएगी, वहाँ पर खड़े रहो, करते कि नहीं? और वही बच्चा जाकर कब बदमाश बनता है? घर में कोई बच्चा नहीं बिगड़ता है, कहाँ पर बिगड़ता है? बाहर कॉलेज में जाकर के सिगरेट पीना, दारू पीना, जितने उल्टा पुल्टा बच्चे कॉलेज में जाकर बिगड़ते, घर में कोई बच्चे घर में नहीं बिगड़ते। क्यों? पिता माता बच्चों को अच्छे शिक्षा देते हैं। भैया जहाँ पर बच्चे बिगड़ेगा और थोड़ी सी लिखा पढ़ा सीख जाए ना, अगर तुम कुछ बोलो बच्चे क्या बोले, तो गमारा तू क्या जानते हो, अनपढ़, कुछ पढ़ी नहीं, अरे हमने इतनी पढ़ी लिखाई। बच्चे यही बोलते हैं ना, पिता माता यही बोलते हैं और कुछ नहीं बोलते। अरे जब तुमको गाली दे सकती है, हाँ जब गाली देने के लिए इसको भेज सकती हो, अगर बचपन से अगर इसका संस्कार बनाती, पढ़ाया? बोले नहीं। बोले क्या करवाया? बोले बच्चे को PhD करा दिया, उसको तो MA और उसको इंजीनियर डॉक्टर बना दिया। बोले इसीलिए तो बच्चा दुष्ट हो गया। ऐसा अगर बच्चों को बोलता बेटा थोड़ा रामायण पर जोर जबरदस्ती करनी चाहिए, जैसे उसको स्कूल रोज भेजते हो, घर में भी जोर जबरदस्ती नहीं, जब तक एक माला नहीं करोगे तब तक खाना नहीं मिलेगा, तब तक खाना नहीं मिलेगा। पहले भजन, उसके बाद में फिर भजन करो। हैं रामायण पढ़ता तो उसमें लिखा हुआ रहता क्या है, प्रात उठ ही रघुनाथा और मात पितु गुरु नमः। ठाकुर जी सवेरे उठ करके सबसे पहले पिता माता के चरण की वंदना करते हैं, इसलिए यहाँ पर कहते भैया वो गुरु गुरु नहीं, वो पिता पिता नहीं, वो माता माता नहीं, वो भाई भाई नहीं, वो बंधु बंधु नहीं। कहते नाम बचे तेज समपेत मृत्यु, हम जब मृत्यु की जो चक्कर में पड़े हुए, सामने जो मृत्यु खड़ी हुई, अभी कोरोना आए ना, कितने लोग गए कोरोना में, ये जो मृत्यु बारंबार आ रही है, मर रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, भैया ये मृत्यु से जो हमें निकाल नहीं दे संसार से, वो कोई भी कोई नहीं। इसलिए चैतन्य चरितामृत में बताया, सही से परम बंधु सही पिता माता, श्री कृष्ण चरण जयी प्रेम भक्ति दाता। इसको ट्रांसलेशन करके कहते हैं, वही माता है, वही पिता है, वही बंधु है। कौन है? बोले जो श्री कृष्ण चरण जयी प्रेम भक्ति दाता, जो ठाकुर जी के चरण में, कृष्ण चरण में हमें प्रेम और भक्ति को प्रदान करते हैं, वही वही माँ है, वही भाई है, वही बंधु है, वही सब कुछ हमारे है। अगर नहीं तो नहीं, नहीं तो नहीं। देखो कितना बढ़िया श्लोक याद किया ना, कितना बढ़िया श्लोक याद किया था, उसको याद करे रखना, ठीक है ना, याद रखना, यही श्लोक बड़े काम में आएगी, समझ रहे हो? अभी तुमको पता नहीं चल रहा है, इसलिए कोशिश करना रटने के लिए, हैं रटने के लिए और उसको रिवाइज करने के लिए। वृंदावन में परमेश्वर को ना खड़े कर देते, खड़े हो जाओ, नहीं नहीं बोल पाएंगे ना, बोले खड़े होकर श्लोक याद कर खाना मिलेगा, नहीं तो खाना नहीं मिलेगा। इसलिए याद करना, जो एक एक श्लोक दे रहे हैं इसको हेला में इसको, अरे क्या होगा, बहुत श्लोक हमारी याद है, इसलिए श्लोक याद करना है, ठीक है? बोले वृंदावन बिहारी लाल की, दूसरा श्लोक कल सुनेंगे, दूसरा श्लोक कल सुनेंगे। और हमारे कहाँ बोलने वाले सब कहाँ, तुम बोलो आ जाओ। और बच्चियों में कोई बोलने वाले, लड़कियों में कोई बोलने वाले, कौन बोलेगा, कौन सा कभी और तो बोलो, उसको बात में ही बात नहीं। तुम लोग छोटी छोटी कहानी याद करना, ठीक है, छोटी 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 कहानी याद है, ये बच्चों को दिखा देना तो यूट्यूब में बिल्कुल सब कुछ पता होगा, इसमें देना बहुत बच्चे बहुत लोग छोटी 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 ठाकुर की कथा सुनाते, तुम भी पहले सुनाता था ना,
है तो कल बढ़िया से कपड़ा पहन करके आना, सफ़ेद धोती, ठीक है, कल तुम सुनाना। बोलो ओम अज्ञान विज्ञानस्य ज्ञानाञ्जक्षराकर चक्षुर्मीलितमेन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय स्थानाय कृष्णाय कृष्णवत्ताय गुप्ताय नमः। सर्वप्रथम मैं अपने गुरु पाद पद्म वो विष्णुपाद अष्टोदशत भक्ति वेदांत शुद्ध श्रीधर गोस्वामी महाराज के चरण कमल में अंत कोटि दंड अर्पण करता हूँ। तत्पश्चात परम गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तरशत भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज एवं भक्ति श्री रूप सिद्धांति गोस्वामी महाराज जी के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत अर्पण करता हूँ। श्रीमन महाप्रभु सहित समस्त गौर परिकर जय युक्त हो, उपस्थित समस्त वैष्णव वैष्णवियां सभी को यथा योग्य प्रणाम करता हूँ। अभी गुरु जी ने बताया माता कौन पिता कौन ये सब, तो हम बहुत सौभाग्यशाली हैं कि यदि ऐसे माता पिता स्वरूप गुरु प्राप्त हैं और उसके बाद माता कौन पिता कौन इसका परिचय करा दें तो हमारा इसी जन्म में भगवत प्राप्ति और भगवत कल्याण हो सकता है हमारा। तो इसीलिए हम लोग यहाँ बैठे हैं, सौभाग्य हैं। जब गुरुदेव ये बता रहे थे तो मुझे वही पंक्ति याद आ गई, वृंदावन में हमारे एक संत हैं वो नित्य प्रति वृंदावन परिक्रमा करते तो यही बात बार 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 गा करके यही बात करके जो है वृंदावन परिक्रमा करते। कृष्ण नाम चित धर तो जो तू, कृष्ण नाम चित धर तो, कृष्ण नाम चित धर तो जो तू, कृष्ण नाम चित धर तो, अरे अब को जन्म पाछलो तेरो दो जन्म सुधर तो, जो तू कृष्ण नाम चित धर तो, हाँ कृष्ण नाम चित धर तो, जो तू कृष्ण नाम चित धर तो, अरे अब को जन्म पाछलो तेरो दो जन्म सुधर तो, जो तू कृष्ण नाम चित धर तो। इस कारण से ठीक है। अच्छा, हम लोग अब आगे के प्यार श्रवण करें। आगे का प्यार क्या है, कल हमने आपको बताया था परसों कि जो लता बीज है, भक्ति लता बीज है, उसका जो बीज है उसका सिंचन कैसे होगा, तो श्रवण कीर्तन जले करे सिंचन। अच्छा, अब उसके बाद बताया है कि जो बीज के जब बीज को सींचेंगे उसके बाद जो भक्ति लता रूपी जो भक्ति लता प्रकट होगी, तो वो भक्ति लता जब प्रकट होगी तो वह ब्रह्मांड को भेद करके, विरजा को भेद करके, ब्रह्मलोक को भी भेद करके, फिर परम व्योम त्रिपाद विभूति श्री भगवान का जो धाम है वहां पर जाती है। उपजिया बाड़े लता ब्रह्मांड भेदी जाए, विरजा ब्रह्मलोक भेदी परम व्योम पाए। इस कारण से लिखा है यहाँ पर कि उगने के पश्चात वह लता बढ़कर ब्रह्मांड को भेद करके, विरजा फिर ब्रह्मलोक को भी भेद करके परम व्योम में जाती है। अब इसमें इसका अनुभाष्य देखिए, अनुभाष्य में बताया है ब्रह्मांड अर्थात 14 भुवन के भीतर भक्ति लता का आश्रय रूप कोई भी वृक्ष नहीं है। इसका मतलब क्या है, देखो भक्ति किसी की आश्रय नहीं हो सकती, भक्ति का आश्रय लेकर के भगवान की प्राप्ति होती है। इसको कहाँ लिखा है, इसको लिखा है श्री रूप को, इसको लिखा है श्री रूप गोस्वामी पाद ने पद्यावली में। क्या लिखा है उन्होंने, उन्होंने लिखा है कि भगवान की भक्ति ही सबसे जरूरी है, भगवान की भक्ति ही, भगवान भक्ति को ही देखते हैं। व्याधस्या चरणम ध्रुवस्य चवयो विद्या गजेंद्रस्य का कुब्जाया कुब्जाया विनुरा नाम रूपम अधिकम किम तत् सुधान्नो धनम वंशः को विदुरस्य यादव पतैरुग्रस्य किम पौरुषम भक्त्या तुष्यति केवलम नच गुणै भक्त प्रियो माधव। मतलब व्याधस्या चरणम ध्रुवस्य चवयोः, यदि भगवान व्याध जाति को देखते तो व्याध की क्या जाति थी,
ध्रुवस्य चवयो हो, अगर भगवान आयु को देखते तो ध्रुव जी की क्या आयु थी, और विद्या गजेंद्रस्य का, अगर भगवान विद्या को इम्पोर्टेंस देते, ज्ञान को इम्पोर्टेंस देते, तो आप बताइए गजेंद्र में क्या ज्ञान था। कुब्जाया किमुन राम रूपम अधिकम, अगर भगवान रूप को देखते तो बताइए कुब्जा का क्या रूप था। और किम तत् सुधान्नो धनम, अगर भगवान धन पे फोकस करते तो आप बताओ सुदामा के पास क्या धन था। इसलिए भगवान किसी पे फोकस नहीं करते, भगवान को क्या चाहिए, भक्त्या तुष्यति केवलम नच गुणैः ही भक्त प्रियो माधव, कि मेरा कि इस व्यक्ति में मेरी भक्ति कितनी है, मेरी भक्ति कितनी कर रहा है। भगवान केवल और केवल भक्ति को देखते हैं, अन्य भगवान किसी को नहीं देखते। सारे के सारे रूप, रूप लावण्य सौंदर्य और उसका सब कुछ धन ऐश्वर्य ये सब भगवान नहीं देखते, भगवान केवल भक्ति देखते हैं। इस कारण से कहा है ब्रह्मांड की किसी भी वस्तु, इसीलिए कहा है कि भक्ति लता का आश्रय रूप कोई भी वृक्ष नहीं हो सकता, भक्ति ही सभी का आश्रय है और भक्ति ही आश्रय है, भक्ति ही प्राप्त करनी, भक्ति से ही श्री भगवान प्रसन्न होंगे। उसके बाद लिखा ब्रह्मांड को पार करके विरजा नदी, वहां के तीन गुण की समावस्था लक्षिता होती है, वह जागतिक मल को धो देने वाली नदी है, उसे पार करके ही ज्ञानियों का आदर्श ब्रह्मलोक है। विरजा में जैसे भक्तिलता के आश्रय करने योग्य कोई वृक्ष नहीं है, उसी प्रकार ब्रह्मलोक में भक्तिलता के सेव्य वृक्ष का अभाव है। जब भक्तिलता विरजा को पार करती है तो ज्ञानियों के लिए उस विरजा को पार करने के बाद ब्रह्मलोक है, ब्रह्मलोक के अंदर जब पहुंचता है व्यक्ति तो ज्ञानी लोग ही ब्रह्मलोक तक पहुंचते हैं। भक्त तो नहीं चाहेगा कि ब्रह्मलोक, क्योंकि ब्रह्मलोक के अंदर ज्ञान, लेकिन उधर रस का अभाव है। और इस कारण से लिखा है भक्ति के सेव्य वृक्ष का अभाव है, बिल्कुल सही। आश्रय रूपी वृक्ष को प्राप्त नहीं कर श्रवण कीर्तन रूपी जल से सींची जाने वाली बढ़ती हुई लता ब्रह्मलोक को पार करके परम व्योम धाम को प्राप्त करती है। जब ब्रह्मलोक को भी, अच्छा हमारे गुरुदेव से आप लोगों ने कभी श्रवण किया होगा कि जब परम परम सौभाग्यशाली जीव भक्ति के बाद जब वो भगवान के धाम जाने के लिए रेडी होता है, जब उसने पूरे के पूरे जीवन केवल श्री गुरु कृष्ण चरणाश्रय किया है, उसके बाद जब भक्त जाता है और जाने के बाद जब ब्रह्मलोक को पार करता है तो ब्रह्मा जी प्रस्तुत हो जाते हैं और ब्रह्मा जी साक्षात ब्रह्मा जी कहते हैं अरे भैया मेरा, मैं तो धन्य हो गया, सृष्टि करी, सृष्टि मेरी करी हुई सृष्टि, भगवान की प्रेरणा से जो मैंने सृष्टि करी उस सृष्टि के अंदर देखो कैसा भक्त प्रकट हुआ। जो भक्त जा रहा है भगवान के धाम तो उसको ब्रह्मा जी प्रणाम करते हैं। उसके बाद लिखा है जब वह पार करता है उसके बाद भगवान के परम व्योम जो त्रिपाद विभूति श्री भगवान है उनके धाम तक पहुंचती है। उसके बाद अगला प्यार है तबे जाए तदुपरि गोलोक वृंदावन कृष्ण चरण कल्प वृक्षे करे आरोहण। उसके बाद कहा है कि तब उस परम व्योम से भी ऊपर गोलोक वृंदावन में पहुंच जाती है तथा वहां पर श्री कृष्ण के चरण रूपी कल्प वृक्ष पर आरोहण करती है। श्रीमद् भागवत जी में श्री वेदव्यास भगवान लिखते हैं कि ये कौन सा धाम है परम व्योम, तो श्रीमद् भागवत जी में वेदव्यास लिखते हैं नच पुनरावृत्ति ही, मतलब वहां जाने के बाद वापस से कोई नहीं आता, वो बिल्कुल सीट फिक्स वाला धाम है, इसीलिए यहाँ पे कहा गया है। और उसके बाद लिखा है कि ब्रह्मलोक और विरजा के एक और माइक ब्रह्मांड है जिसको देवी धाम कहा जाता है, लेकिन प्रकृति के दूसरी ओर वैकुंठ अथवा परम व्योम स्थित है, वहां पर माया कुछ परिमाण करने में समर्थ है। देखो वैकुंठ तक भी माया का कुछ अंश बता रहे हैं, लेकिन जब वह व्यक्ति उसको पार करके जब ऐसा उसको भगवान के दिव्य गोलोक की गुरुदेव की कृपा से उसको सारे के सारे विषयों का सब बोध हो जाता है, तत्वों का बोध हो जाता है, उसके बाद जब वह भगवान के धाम जाता है वहां माया खड़ी नहीं हो सकती, श्री भगवान के सामने माया खड़ी नहीं हो सकती। और कहीं भी चले जाओ सब जगह माया ने पराजित किया है। इसीलिए कबीरदास जी ने लिखा है ना
रमैया की दुल्हिन, रमैया की दुल्हिन लूटल बाजार, रमैया की दुल्हिन लूटल बाजार। ब्रह्मा जी लूटे आने, शंकर जी लूटे और नारद मुनि को पड़ी है पछार। रमैया की दुल्हिन लूटल बाजार, रमैया की दुल्हिन। इसलिए ये माया ही है, माया साक्षात भगवान की पत्नी है, इसलिए लिखा है कि माया भगवान की शक्ति, इसीलिए लिखा है कि वो सभी को परास्त कर रही है, परंतु भगवान के भक्त को परास्त नहीं कर पाई, क्योंकि भगवान के सामने माया खड़ी नहीं हो सकती। इसीलिए लिखा है यहाँ पर, वहाँ भक्ति लता कृष्ण चरण रूपी कल्पवृक्ष का आश्रय करती है। परम व्योम में परम व्योमनाथ श्रीमन नारायण की जो पूजा होती है उसमें शांत, दास्य और आधा सख्य लक्ष्य है। देखो भगवान के जो श्रीमन नारायण के जो श्री वैकुंठ में जब जाते हैं, रमा वैकुंठेश्वरी, जहाँ श्री रमा वैकुंठेश्वर श्री श्रीमन नारायण के साथ विहार करती हैं, वहाँ पर लिखा है कि वहाँ पर जो रस है वो लिखा है इसमें कि शांत रस है, दास्य रस है और आधा ही सख्य रस है बस, यानी ढाई रस केवल वहाँ पे है। परंतु गोलोक वृंदावन में श्री कृष्ण की सेवा में शांत रस भी है, दास्य रस भी है और आधे गौरव सख्य के साथ आधा विश्रम्भ सख्य, वात्सल्य और मधुर, ये पांच भावपूर्ण मात्रा में विकसित हैं। यही भक्ति लता स्वरूप रूप में आश्रय प्राप्त करती है। इसीलिए यहाँ पे लिखा है कि यदि भक्ति का, देखो वैसे तो भक्ति किसी का आश्रय नहीं लेती है, भक्ति का आश्रय जो हम लोग ही लेते हैं, भक्तजन ही लेते हैं, तभी भगवान के धाम तक पहुँचते हैं। लेकिन यदि भक्ति को भी आश्रय पूर्ण रूप से लेना पड़ जाए तो वो ना ही नारायण के लोक में ले सकती, ना ब्रह्म लोक में, वो तो सीधा का सीधा श्री गोलोक वृंदावन में ही आश्रय प्राप्त करेगी। इसी को कहा है यहाँ पे, कृष्ण प्रेम रूपी प्रयोजन की प्राप्ति साधन अवस्था में सदैव श्रवण और कीर्तन से होती है। भगवान की कथा श्रवण और भगवान का कीर्तन केवल ये दो ही माध्यम ऐसे हैं जिससे भक्ति लता पुष्ट होती है। इसीलिए श्री रूप गोस्वामी पाद को श्रीमन महाप्रभु ये शिक्षा देते हैं कि ना ही तो वैकुंठ की वासना तुम में हो, ना ही और किसी लोक की वासना तुम में हो, केवल और केवल श्री भगवान के दिव्य गोलोक की वासना जिसमें जागृत हो जाती है, वह पूर्ण ब्रह्म श्री कृष्ण के पादाश्रयों को छोड़ करके और अन्यत्र कहीं सुख प्राप्त नहीं करता। इन्हीं सभी शब्दों के साथ वांछा कल्पतरुवश्च कृपा सिंधुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। दीदी लो ये लगा दो, इस माइक पे लगा लो, बस ऐसे ही है। ओम अज्ञाति विराजस्य ज्ञानार्जन शलाकया चक्षुरुलितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मेरे गुरुदेव को मेरा कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। मैं आज आपको एक उद्धव गीता से एक प्रसंग सुनाना चाहूंगी। जैसे कि हमारी श्रीमद् भागवत गीता है, ऐसे ही उद्धव गीता है। एक बार उद्धव जी उनसे प्रश्न करते हैं भगवान से कि हे प्रभु, आप तो सब जानते थे, आपको पता था कि सब आप जानते हैं और आपके वश में सब कुछ है, लेकिन आपने महाभारत का युद्ध क्यों होने दिया। तब भगवान ने उद्धव जी से ये कहा कि देखो उद्धव, ये ठीक है, मेरे हाथ में सब कुछ है और मैं ही सब कुछ करने वाला हूँ, लेकिन जो ये मनुष्य है उसके पास दो चीज़ें मैंने अतिरिक्त दी हैं सब जीवों से फालतू। जैसे कि भी गुरुदेव ने कहा कि सभी जो प्राणी हैं उसमें
जैसे कि वो संतान उत्पन्न भी कर सकते हैं, खा भी सकते हैं, सो भी सकते हैं इसी तरह से, लेकिन मनुष्य के पास एक बुद्धि और विवेक अतिरिक्त है। तो जब दुर्योधन ने युधिष्ठिर को द्रुत क्रीड़ा के लिए मतलब उसके लिए आमंत्रित किया शतरंज की बाजी के लिए कि मतलब जैसे कि वो उनका राज्य हड़पना चाहता था, उस समय जो दुर्योधन था उसने विवेक से काम लिया। उसे पता था कि मैं युधिष्ठिर से जीत नहीं सकता क्योंकि वो शतरंज में मेरे से ज़्यादा होशियार है। तो उसने क्या कहा कि मेरी तरफ से शकुनी मामा खेलेंगे। लेकिन उस समय जो युधिष्ठिर था उसने अपने विवेक से काम नहीं लिया, वो चाहता तो भगवान को अपनी तरफ से कहता कि ये मेरी तरफ से खेलेंगे, लेकिन उसने क्या कहा कि नहीं मैं ही खेलूँगा। अब क्या हुआ, क्योंकि शकुनी मामा तो तेज थे और उन्हें छल और कपट से पांडवों को हराना था, बाजी बिच गई, आमने सामने बैठ गए। अब बारी बारी से जब पांडव हैं अपना राज्य हार गए, अपने युधिष्ठिर अपने भाइयों को भी हार गए, अंत में अपनी पत्नी को भी दांव पे लगा दिया। जब पत्नी को भी दांव पर लगा दिया और उसे भी हार गए, अब दुर्योधन ने ये कहा कि द्रौपदी को केशु से पकड़ के खींच कर लाओ भरी सभा में और उसे निर्वस्त्र करो। भगवान यदि आप चाहते तो आप तब भी कुछ कर सकते थे। तो भगवान ने ये कहा कि देखो उद्धव, मैं तो वही था लेकिन मुझे किसी ने बुलाया ही नहीं। मुझे युधिष्ठिर ने ये कहा कि जब तक हम खेले आप कक्ष से बाहर खड़े रहे और जब मैं आपको बुलाऊंगा तभी आप आए। तो इसलिए उद्धव मैं बाहर खड़ा था, मैंने सोचा कि जब ये अपना राज्य हार गए तब मुझे बुलाएंगे, नहीं बुलाया। तब उन्होंने अपने सारे भाइयों को हार दिया तो मैंने सोचा अब मुझे बुलाएंगे, नहीं बुलाया। लेकिन जब द्रौपदी का चीरहरण हुआ और द्रौपदी को भरी सभा में केशों से पकड़कर खींचकर लाया गया, मैंने सोचा अब भी मुझे याद करेंगे, लेकिन नहीं किया। लेकिन जब द्रौपदी ने ये देखा कि पांचों पांडव नीचे सिर करके बैठे हुए हैं और उसने अपने आप को असहाय महसूस किया, तब उसने अपने सखा श्री कृष्ण को याद किया, वो कहा हे प्रभु मेरी लाज बचाइए। तब मैं दौड़ा चला आया और मैंने उनके वस्त्र को इतना बढ़ा दिया कि जो ये कौरव थे उनका कुछ भी ना बिगाड़ सके, तब मैंने द्रौपदी की लाज बचाई। तो सुनो उद्धव, मैं हमेशा सबके साथ रहता हूँ लेकिन कोई मुझे बुलाता ही नहीं। जब ये सोचोगे कि मैं हमेशा सबके साथ हूँ तो आप जो भी कर्म करें मुझे समर्पित करके करें तो हमेशा भला ही होगा। तो इसलिए जैसे कि इस कथा से हमें शिक्षा मिली कि हमें जो भी कर्म करें अपने बुद्धि और विवेक का प्रयोग करें, क्योंकि यदि हम बुद्धि और विवेक का प्रयोग करेंगे तो हम कोई भी कार्य ठीक है, फल तो उसका भगवान जो देंगे सो देंगे, गलत नहीं करेंगे अपने अपनी समझ से। तो ये तो थी कथा, दो एक श्लोक मैंने याद करें वो भी आपसे सुनाती हूँ। तद विज्ञानार्थ सा गुरुमेव गच्छति समित काणि श्रोत्रियम ब्रह्म निष्ठम। अर्थात मैं श्री गुरुदेव के पास याद है तद विज्ञानार्थ सा गुरुमेव गच्छति समित काणि श्रोत्रियम ब्रह्म निष्ठम। मैं ऐसे गुरुदेव के पास पूर्ण समर्पित भाव से जाऊंगा जो गुरु ब्रह्म ज्ञान से ओतप्रोत है। मूकं करोति वचालं पंगु लंगते गिरं यत प्रकार श्री परमानंद माधवम। जो गूंगे को बोलना सिखा दे और पंगु को पर्वत पर चढ़ा दे और ऐसे ही यत कृपा तमहा वंदे परमानंद माधवम। ऐसे श्री भगवान के चरणों में गुरुदेव थोड़ा गलती हो गया। वाचो वेगम मनसै क्रोधम वेगम जिव्या वेगम मुद्रोपस्थ वेगम एतान वेगान यो विषहेत अधीर सर्वाम पीमा पृथ्वी सशिष्यात। अर्थात वाणी का वेग, क्रोध का वेग, मन का वेग और जिव्या का वेग, हम जिव्या से कुछ भी बोल देते हैं, मुद्रोपस्थ वेगम अपनी इंद्रियों को वश में नहीं रखते,
जो इन सब इंद्रियों के वेगों को सहन करने में समर्थ है वही समस्त पृथ्वी पर शासन कर सकता है। वंशा कल्पना से पतिता नाम पावन है।